Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the distinguish between initial public offer, that is IPO, and further public offer, that is FPO. पहले हम लोग जानते हैं कि IPO और FPO का मीनिंग क्या होता है. जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है तो उसको हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब IPO बोलते हैं. और IPO होने के बाद में जब भी कंपनी शेयर मार्केट में इशू करती है तो उसको FPO मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर बोलते हैं. एक एग्जांपल बताता हूँ. सपोज कंपनी ने 2005 में फर्स्ट टाइम अपने शेयर को मार्केट में ऑफर किए तो उसको 2005 में कंपनी ने IPO किया, ऐसे हम लोग बोलेंगे. वापस से कंपनी को 2012 में कैपिटल की जरूरत पड़ी तो कंपनी ने 2012 में और शेयर इशू किए. फिर कंपनी को 2015 में पैसे की जरूरत पड़ी तो कंपनी ने 2015 में वापस से शेयर इशू किए. अगेन थर्ड टाइम कंपनी को 2018 में कैपिटल की जरूरत पड़ी एक्सपेंशन करने के लिए तो कंपनी ने और शेयर इशू किए. तो 2005 में कंपनी का IPO हुआ था, वापस से 2012 में कंपनी ने शेयर इशू किए, उसको FPO बोलेंगे. फिर 2018 में कंपनी ने शेयर इशू किए तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, FPO बोलेंगे. तो IPO होने के बाद में जब भी कंपनी अपने शेयर मार्केट में बेचेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर. दूसरा है टाइप ऑफ इश्यूअर कंपनी. जो IPO करने वाली कंपनी होती है वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मतलब ये कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते हैं. और ये IPO करने के लिए कंपनी को उस समय क्या करना पड़ता है, अपने शेयर को लिस्टेड करना पड़ता है. पर अभी तक कंपनी के शेयर लिस्टेड नहीं है, इसके लिए इसको अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बोलते हैं. FPO में क्या होता है, कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी होते हैं, मतलब इसके शेयर जो है वो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड है. लिस्टिंग का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रिंग. ओके, हर एक कंपनी को अपने शेयर को अगर मार्केट में सेल करना है तो उनको किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर को लिस्टिंग या रजिस्टर करना पड़ता है. तो FPO के अंदर कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड होती है, IPO के अंदर कंपनी अनलिस्टेड होती है. तीसरा, वेन इशूड, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर में शेयर कभी इशू किया जाता है और फर्दर पब्लिक ऑफर में शेयर कभी इशू किया जाता है. सो जब कंपनी को फर्स्ट टाइम कैपिटल रेज करना होता है तो उस समय कंपनी क्या करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर करती है. और जब कंपनी को फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल रेज करना होता है, ना फर्दर या एडिशनल कैपिटल मतलब पहले कंपनी ने इशू किया था, अभी और कंपनी को कैपिटल की जरूरत है, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. जब कंपनी को फर्दर कैपिटल की या एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी फर्दर पब्लिक ऑफर करती है. और यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम जब कंपनी पब्लिक कैपिटल रेज करती है तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं. आगे ऑर्डर ऑफ इश्यू. ऑर्डर ऑफ इश्यू मतलब कब IPO होता है और कब FPO होता है, उनका नंबर हमको लिखना है. तो IPO precedes FPO, मतलब IPO FPO के पहले होता है और ये फर्स्ट टाइम कंपनी करती है. FPO जो होता है वो IPO के बाद में होता है और ये सेकेंड टाइम जब कंपनी शेयर इशू करती है, सब्सिक्वेंट मतलब क्या, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम जब कंपनी अपने शेयर बेचती है तभी FPO होता है. सो IPO FPO के पहले आता है जिसको हम लोग precede बोलेंगे, FPO IPO के बाद में आता है. लिस्टिंग ऑफ कंपनी. IPO के टाइम पे कंपनी को अपने आप को लिस्टिंग करवाना पड़ता है, उसके बिना कंपनी अपने शेयर को बेच नहीं सकती है. तो IPO के टाइम पे कंपनी अपने आप को लिस्टिंग कराती है, IPO के पहले कंपनी अनलिस्टेड होती है. FPO में क्या होता है, कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड होती है बिकॉज यहाँ पे कंपनी ने अपने आप को लिस्टिंग करवाती है. तो इसके लिए FPO के अंदर कंपनी क्या हो जाती है, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी हो जाती है. नाउ रिस्क फॉर द इन्वेस्टर्स. IPO के अंदर इन्वेस्टर को ज्यादा रिस्क होता है बिकॉज इन्वेस्टर्स को ये नई कंपनी है उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का मैनेजमेंट, या कंपनी कितना डिविडेंड देगी, कैपिटल वापस करेगी कि नहीं, नथिंग दे नो. इसके लिए ये जो शेयर्स होते हैं फर्स्ट टाइम कंपनी इशू कर रही है, इसके लिए कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो यहाँ पे इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, एक तरीके के रिस्क ले रहे हैं. यहाँ पे कम रिस्क होता है बिकॉज कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में ये शेयर होल्डर्स को पता है, क्योंकि कंपनी अभी एडिशनल शेयर इशू कर रही है, पहले कंपनी ने शेयर इशू किए थे. सो उनके कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में पता है, इवन वो लोग फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं. इसके लिए यहाँ पे रिस्क जो होता है थोड़ा कम होता है. तो ये था डिस्टिंग्विश बिटवीन IPO एंड FPO. थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.